चैनल वाई, चैनल वाई, अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल। बरनाला दी अनाज मंडी दे विच संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल वलों अज एक वड्डी महा किसान रैली की गई, जिस दे विच हजारां दी संख्या दे विच किसान पहुंचे ने। पंजाब दीआं 17 किसान यूनियना वलों इत्थे पहुंच के सरकार दे खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब अते हरियाणा दे विच वख-वख किसान नेतावां ने इस रैली नूं संबोधन किया है। किसानां नूं MSP समेत वख-वख खेती अते किसानां दीआं मंगां नूं लै के रैली दे विच किसान अपने अपने विचार रख रहे ने। 13 फरवरी नूं दिल्ली दे विच दोबारा मोर्चा लगाउण दा इन्हां दे वलों ऐलान किया गया है। किसान महापंचायतां दी भी तैयारी कर रहे ने। इस मौके गलबात करदे हुए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, बलदेव सिंह सिरसा अते होर किसान लीडरां ने कहा है कि खेती कानूनां दे संघर्ष दे दौरान केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चे दे नाल MSP समेत वख-वख मंगां पूरियां करन दे वादे किते सन, जो हुण तक पूरे नहीं होए ने। 2013 दे विच केंद्र दे विच जदों कांग्रेस की सरकार सी, उदों दिल्ली दे जंतर मंतर विच किसान संगठनां ने अपनियां मंगां नूं लै के संघर्ष किया सी। उस दौरान भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने किसान धरने च शामिल हो के किसानां नूं डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट अनुसार फसलों के मुल देने का विश्वास दवाया सी, परंतु 10 साल का समा बीत जाने के बावजूद भी यह फैसला नहीं लिता गया। देखिए, दोबारा से 13 फरवरी की कॉल दी गई है संयुक्त किसान मोर्चा है राजनीतिक द्वारा और उत्तर भारत के 18 जत्थेबंदियों द्वारा, और उस दिन 13 फरवरी को देश भर से लाखों किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और उस आंदोलन की जो मुख्य मांगे हमारी हैं, सबसे पहली मांग ये है कि MSP पे गारंटी का कानून बनाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी थी कि डॉक्टर साहब, खाली MSP घोषित करने से कुछ नहीं होगा, MSP किसानों को मिलना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री बने उनको 9 साल हो गए, आज तक MSP के ऊपर वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो पहली मांग है MSP पे गारंटी कानून बनाया जाए, और MSP भी कौन सा, स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार मिलना चाहिए, जिसके तहत हरियाणा और पंजाब में आज गेहूं का MSP 4000 रुपए प्रति क्विंटल बनता है। तीसरी हमारी जो मांग है, देश के सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। देखो जी, मैं बलदेव सिंह सरसा, मैंबर संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, अज की जी महापंचायत है ये पहली नहीं, ये पूरे भारत में पंचायत हो रही ने, पंजाब भी ये चौथी महापंचायत है, जिदे विच लखां दा इकट्ठ तुसीं वेख रहे हो कि अज धुंद दा भी पूरा प्रकोप और इन्नी वड्डी ठंड दे विच इह जिहड़ा इकट्ठ हो रहा है, जिहड़ियां केंद्र सरकार ने जिहड़ियां मंगियां मन्नां सी, मंगां मन के तो उह लागू नहीं कीतियां, जिस करके दोबारा 13 फरवरी 2024 दे विच दिल्ली कूच दा बिगल जिहड़ा उह वजा दित्ता है, ते उहदी तैयारी विच ही जिहड़ा इह सारे भारत विच जिहड़ियां रैलियां हो रहियां ने, ते इह तैयारी जिहड़ी है इह हो रही है। देखो, पिछले समयों के जिस तरीके सरकार ने वायदे करके मुकरी है, साढ़े अंदोलन के दौरान कुछ वायदे किए थे, उन्होंने मुकर भी MSP की गारंटी का कानून देना सी और लोगों के केस मुकदमे वापस लेने, साडा वायदा किया कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कराएंगे और घट्टो घट किसानों का कर्जा जरूर अस माफ करा, ये सारे वायदे किए सरकार ने, वो तो मुकरे। और तुम देखा कि चोणों के दौरान ये सरकार यही रौला पाई रही है, यही BJP रौला पाई रही है, WTO जो भारत बाहर आए, लेकिन हम 10 साल अगर राज कर दिया भुलिया बैठिया ने सारे गलों, यह सारिया मंगा लेके असी मुड़ दोबारा मतलब दिल्ली वाल कूच करने का प्रोग्राम बनाया, और 13 फरवरी में बड़ा इकट्ठ लैके असं दिल्ली वाल कूच करा, जिसे असी वख-वख स्टेटा जिले पंजाब के अच्छ दूजी पहला जंडियाला गुरु अच्छे इतने बरनाले हो रही है, आने वाले दिनों में साड़िया हरियाणा भी बड़िया किसान महापंचायत हो जा रही है, उत्थे असी सारी की सारी यदि तैयारी है जी इस मोर्चे की, वो जोर लग्या होया और लोगों को अवेयर करने पर जोर लगे, ताकि लोगों जो भुलेखे पे ने कि अब की लैन जा रहे हैं, एक एक गल लोगों तक पहुँच जाए, क्योंकि लोगों को अभी दसना चाहते हैं कि भारत सरकार कणक तो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करके इनडायरेक्ट ढंग के नाल वो 3 कानूनों के राही जिस तरह जमीन लैनी चाहती थी, यही बदलवे रूप में फिर लेके आई है, और वो खिलाफ साड़ी लड़ाई है, और वो तैयारी के साथ पंचायत है जिसे तुम देखोगे वाहेगुरु कृपा करेंगे, लखां लोगों की शमूलियत होर थोड़े समय तो नजर आएगी। देखो जी, ये पिछले दिनों तो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब और 18 होर जथेबंदियों जनतक जथेबंदियां जिहड़ियां वा
ये सारिया गैर राजनीतिक राजनीति के उपर उठ के किसान मजदूर जथेबंदियां उन्होंने फैसला किया। एक रैली सी की 2 तरीक जंडियाले गुरु का अमृतसर के अज जी ये बरनाले रैली हो रही आ। यह दोवें भरवीं महारैलियां वा जिदे ते किसान मजदूर दुकानदार मुलाजम सारे वर्ग जिहड़ा पूरे भारत का वा ना वो जाग चुका है कि जिहड़ा पिछले दिन किसानां वल्लों मजदूरां वल्लों दुकानदारां वल्लों 13 महीने दिल्ली दे विच वड्डा अंदोलन चलिया सी। उहदे विच बीजेपी वल्लों कुछ क मंगां जिहड़ियां उह सत्कार कीतियां गईआं सी कि किसानां दीआं मजदूरां मंगां जिहड़ियां वा उहनां दा हल कीता जाऊगा, जिहदे ते बिल्कुल मोदी वल्लों चिट्टा जवाब आ। ज देश के दो वड्डे फोरमां दी SKM गैर राजनीतिक ते देश दीआं उत्तर भारत दीआं 18 जथेबंदियां दा अज दूजी महारैली जिहड़ी बरनाले च हो रही आ। एक तो 13 फरवरी नूं असीं दिल्ली कूच कीता वा, अज इह वड्डा कट करके ठीक आ लखां ट्रैक्टर ट्रालियां जिहड़ियां दिल्ली वल तोरने सी उहदी हुंकार भरनी आ। अज आ जिहड़ी सरकार कहिंदी सी मोदी साहब नूं लगदा सी ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ  9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। UP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਿਡ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਆ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਬਰਨਾਲਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਫੋਰਮ ਆ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 36 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਇਹ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਆ ਇਹ ਤੀਜੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਚੌਥੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14-12 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਭਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 15-12 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਗੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਆ ਇਹ ਬਰਨਾਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਮਾਰਚ ਨੂੰ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ 10 ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਝਾਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੇਵਲ ਦੇ ਕੇਵਲ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੜਨੀ ਆ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੜਨੀ ਆ, ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੜਨੀ ਆ।